अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद शबीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असद अर्ज़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज की वीडियो में मैं आपको तीन टाइप की शेरवानी काटने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो भी शेरवानी के बारे में आपको शेरवानी कॉलर काटना नहीं आता, कोई भी मसला है तो आज वो आपका हल हो जाएगा। हाला वगैरह काटना नहीं आता तो वो भी मैं एंड में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहें। व्यूअर, गौर कीजिएगा, सबसे पहले जो है बुकर्म को डबल करके ये देखें 3.5 इंच का मैं जो है एक निशान लगा रहा हूँ। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप जो है उसको अच्छे तरीके से समझ लें। 3.5 इंच का जो मैंने निशान लगाया है वहाँ मैंने सीधी सिलाई लगाई। देखें 2 इंच का मैं ऊपर की तरफ नाप रहा हूँ, तो इस जगह पर आप अब गौर कीजिएगा। 2 इंच का मैं जब ऊपर की तरफ नाप रहा हूँ तो हमारा 16 इंच की जो शेरवानी काटेंगे, 16 इंच की मीडियम साइज़ पर शेरवानी बिल्कुल आम होती है। तो ये देखें वो नीचे जो निशान था उसको मैंने 2 इंच के निशान से मिला दिया है, मतलब 2 इंच ये निशान टेढ़ा होगा। जैसे आगे ये देखें कटिंग जो करनी है वो 2 इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया है, तो ये चीज़ आपने नापनी है। उसके बाद निशान लगाने के बाद आपने उस निशान से 1-1 इंच के फासले पर एक और निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद आपने ये देखें प्रॉपर निशान हमारा जो है वो आ चुका है। तो एंड में जो हमारा 8 इंच मतलब कि 16 इंच की शेरवानी है वहाँ पर मैंने कोई हाफ इस तरीके से कट लगा दिए हैं। कैंची की मदद से अब हम इसको काट लेंगे निशान के ऊपर। व्यूअर, अगर आप में से कोई मेरे व्लॉग वगैरह देखना चाहता है तो असद दर्जी व्लॉग के नाम से चैनल है, प्लीज़ वहाँ भी विज़िट कीजिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा, ये देखें शेरवानी जो है हमारी कट चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जो है प्लीज़ एक दफ़ा विज़िट करके अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर, काटने के बाद एंड में कुछ इस तरीके से हमने कट लगा लेना है। तो ये जो है ये नॉर्मल कॉलर जो है ये कट चुका है, ये आम आप घर पे काट कर इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये देखें फाइनल हो चुका है। उसके बाद जो अब मैं आपको काटना सिखाऊंगा वो है फ्लैट कॉलर, मतलब के गले के साथ बिल्कुल जो चिपक जाता है, गैप वगैरह नहीं आता उसमें। तो ये गौर कीजिएगा, सबसे पहले जो है मैंने वैसे ही 3.5 इंच पर एक सीधा निशान लगाया था। उसके बाद जो है वो सीधे निशान के बाद देखें 3.5 इंच के बाद हमने लाइन को राउंड बना लेना, बिल्कुल राउंड, जैसे एक हम गोल निशान लगाते हैं, गोल गले का निशान लगाते हैं, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो ये 8 इंच का हमने फिर नाप लेना है, जितनी हमारी खैर शेरवानी कॉलर होगा हमने उतना ही नापना है। मैं तो आपको 16 इंच की शेरवानी बता रहा हूँ, मीडियम साइज़ शेरवानी। तो सेम अब उसी तरीके से हमने नीचे वाले निशान से 1 इंच के फासले पर सब निशान लगा लेने हैं। तो ये जो है हमारी फ्लैट कॉलर जो है ये कट जाएगा। तो ये देखें बहुत ही आसान तरीका है ये फ्लैट कॉलर काटने का। तो जब भी आप घर में काटें, जब भी आप घर में अपना सूट वगैरह बनाएं, तो मैं यही आपको बोलूँगा कि आप जो है फ्लैट कॉलर काट कर अपने सूट पर लगाकर शर्ट जो भी है वो बनाएं, खुद जो बनाएं। क्योंकि आपके अगर सिलाई टेढ़ी होगी, फिनिशिंग से नहीं भी लगाएंगे आप इस पर जो भी होगा, ये इसकी कटिंग ही ऐसी होती है कि ये आपको गर्दन पे फिक्स बैठ जाती है, भले सिलाई अच्छी हो बुरी हो जैसी हो। और ये जो कॉलर है, ये जो मैंने पहले काटा है, तो ये नॉर्मल है, अगर ये सही नहीं लगता तो ये उठा उठा रहेगा। तो अब जो मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ, तीसरा नंबर का जो कॉलर है शेरवानी कॉलर, ये ज़्यादातर जेंट्स कपड़ों में यूज़ होता है, बच्चों के कपड़ों में और जेंट्स कपड़ों में। ये देखें ये मैंने जो है शेप 1 इंच की दे रहा हूँ इसको, ये ऊपर की तरफ जो मैंने निशान लगाया वो 1 इंच का लगाया, पहले वाले में 2 इंच का लगाया था, दूसरे में राउंड घुमा लिया था, तीसरे में 1 इंच का घुमाया है। तो ये देखिए अब जो है वापस उसी तरीके से 1-1 इंच के फासले पर मैंने जो है सब निशान लगा लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम इसको काट लेंगे। तो आप जब भी घर में बनाए तो वो जो है आप फ्लैट शेरवानी काट कर ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको ये 3 साइज़ के बता रहा हूँ। अच्छा, राउंड घुमाने के लिए ये देखें राउंड किस तरीके से घुमाते हैं, बिल्कुल ये जो कोना होता है बिल्कुल ही हल्की सी कोने पर गुलाई देते हैं, सिर्फ कोना काटते हैं। या
ये नहीं कि आप इसको सेट करते हुए पूरी अपनी शेरवानी कॉलर ही ख़राब कर दें। बिल्कुल हल्का सा ऊपर जो कोना होता है उसको बिल्कुल उसका कोना काट कर गुलाई कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और अब जो है आप गौर कीजिएगा। मान लें कि ये शर्ट है हमारी, जैसे फ्रंट शर्ट का फ्रंट है। अब जो आपको मैं इसको हाला काटने का तरीका बताऊंगा, तो ये देखें, पहले जो है मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। ये मीडियम साइज़ का मैं हाला बता रहा हूँ, जहाँ पर आपने 16 इंच की शेरवानी लगानी है। 3.5 इंच का ये देखें नीचे निशान लगा दिए, तो उसको मैं इस तरीके से राउंड घुमा लूँगा। तो ये इस पर आप काट लेंगे तो ये 16 इंच की शेरवानी इस पर आएगी, और ये मीडियम साइज़ का हाला है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको स्मॉल साइज़ का हाला काटने का तरीका बताता हूँ। तो ये देखें, ऊपर जो आप रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे, स्मॉल साइज़ हमेशा याद रखिएगा। ये शर्ट का हाला इस तरीके से काट दें। अब जो सीधा है वो 3 इंच पे काटेंगे, 2.5 3, पहले था 3.5, पहले था 3 3.5, अब था, अच्छा अब इस पर 15 इंच की शेरवानी आएगी। अब था 3, ऊपर से हमने 2.5 रखा, नीचे 3 रखा। अब इसी तरीके से नीचे अगर 3.5 कर देते हैं तो ये हो जाता है लार्ज साइज़ का हाला। आप समझ गए होंगे कि 0.5 इंच हमने नीचे से बढ़ाना है तो लार्ज साइज़ का हो जाएगा। अब ये हमारा हाला जो है कट चुका है। अब एक मिसाल ले लें, हमने वी गला काटना है। ये देखें, 7.5 इंच का हमने निशान लगाया, 7.5 इंच मीडियम का गला सही है, 8 इंच तक। उसके बाद ये देखें, ये वी काट लिया हमने शर्ट का। कपड़ा आप लगाकर इसको पलटा सकते हैं, जो एक गला तैयार आ गया। अब ये मैंने जो है फ्लैट शेरवानी उठाई है, ये देखें, इसको जब हम लगाएँगे तो ये देखें काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये बैठ चुकी है। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगा, या आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।